हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस कैसे आप सब लोग? फार्मिंग सिमुलेटर 23 के लेट्स प्ले 28 है गाइस आई गेस। बहरहाल जो भी है, वेलकम टू अनदर लेट्स प्ले ऑफ एम्बरस्टोन मैप। और आज पिछले गेम प्ले में हमने बेसिकली पिछले गेम प्ले में एक भाई साहब का मशवरा मानते हुए मैंने यहाँ पे ओट्स प्लांट किए थे, और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैं फ्यूचर में चल के काउस बाय कर लूँगा और इसका स्ट्रॉ भी मैनेज कर लूँगा। सो इस नीयत से मैंने बेसिकली ओट्स प्लांट किए थे कि भाई ये स्ट्रॉ तो जो है वो ज़ाई होगा, तो स्ट्रॉ तो मैं बिल्कुल भी जो है वो सेल आउट नहीं कर सकूँगा। बट हेयर वी आर, और यहाँ पे अब स्ट्रॉ जो है उसकी ऑब्वियसली मैं बेल्स बनाऊँगा, स्ट्रॉ बेल्स। और स्ट्रॉ बेल्स जो है वो फिर एब्सोल्युटली हम लोग जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं अपने काउ फार्म में। सो बेलिंग का सामान हमने ऑलरेडी पिछले गेम प्ले में जो है वो अरेंज कर लिया है, सारे का सारा बेलर ले लिया है हमने, बेल कलेक्टर ले लिया है, इवन बेल रैपर भी जो है वो हमारे पास है। सो फिलहाल के लिए इसको गाइस मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ट्रेलर क्योंकि हमने ओट्स प्लांट कर रखे हैं, सो इनका ओल्ड स्लाइटली ज़्यादा होता है कंपेयर टू सोयाबीन। सो इसको यहाँ पे हम हार्वेस्टर के थोड़ा सा करीब पार्क कर देते हैं, ताकि अगर हार्वेस्टर भरती है सो हम इसको इधर से ही जो है वो अनलोड कर दें। सो ऑब्वियसली इस फील्ड से तो शायद हार्वेस्टर हमारी ना भरे, सो मैं इसको जो है वो थोड़ा सा आगे करके जो है वो यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, और होपफुली यहाँ से किसी भी हेल्पर को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा ये वाला ट्रेलर। और बस यही दो फील्ड्स हैं जहाँ पे हमने बेसिकली जो है वो ओट्स प्लांट कर रखे हैं। एंड नाउ वी नीड टू मेक सम स्ट्रॉबेल्स, इससे पहले कि हम लोग जो है वो काउज़ को प्रॉपर फीड करें हमें जो है वो यहाँ पर कुछ स्ट्रॉबेल्स बनानी पड़ेगी। यहाँ पे जो बेलर है वो मैंने यहाँ पे करीब ही पार्क कर रखा था, विच इज़ राइट हेयर। और यहाँ पे यस बिल्कुल अलाइंड है यार। गाइज यकीन मानो, जब से ये आईफोन लिया है मेरी जो है ना लाइफ सेट हो गई है, ना तो अब गेम लैग करती है, ओकेजनल क्रैश हो जाते हैं, लेकिन उससे मेरी प्रोग्रेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्रैश उसी वक्त होता है जब मैं गेम को बंद करता, मतलब गेम बंद होने के बजाय डायरेक्ट जो है वो क्रैश कर जाती है। सो लेकिन उससे क्योंकि गेम की प्रोग्रेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सो आई एम काइंड ऑफ फाइन विद इट, क्योंकि मैंने गेम बंद ही तब करनी होती है जब मैंने जो वो बिल्कुल इसको ना खेलना हो। सो अगर मैं बंद करता हूँ तो क्रैश कर जाती है, सो देयर इज़ नो बिग डील हेयर। और इसके साथ जो है वो ऐसे गुजारा हो सकता है। हाँ, तो प्रॉब्लम जो है वो तब होगी अगर मैं मतलब कि गेम खेल रहा हूँ और बीच में रैंडमली जो है वो गेम कहीं पे भी क्रैश हो जाए और मेरी प्रोग्रेस भी जो है वो ज़ाया हो जाए, जो काम जो है वो फ़िलहाल एंड्रॉयड के ऊपर हो रहा है। सो एंड्रॉयड के ऊपर हर वीडियो के नीचे लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि क्रैश फिक्स कब होगा, मेरी गेम जो है वो क्रैश हो रही है। सो भाई आप लोगों को वेट करना पड़ेगा अगली अपडेट का। मुझे जहाँ तक लगता है इस मंथ में जो है वो नेक्स्ट अपडेट फार्मिंग सिमुलेटर 23 की जो है वो आने वाली है। सो हो सकता है कि अगली अपडेट में आप लोगों के जो है वो फिक्स कर दिया जाए डिवाइस। और डेवलपर्स जो है वो इस दफ़ा जो रीसेंट अपडेट आई है उसके बाद कुछ डिवाइसेस में जो है वो गेम शो नहीं हो रही, सो उन्होंने कुछ डिवाइसेस में से गेम जो है वो वैसे ही रिमूव कर दी है। और अगर आप के साथ इस तरह का कोई इशू आ रहा है सो वो आपको रिफ़ंड जो है वो दे रहे हैं। और आपने क्या करना है, आपने जो गेम बाय की है सो गूगल की तरफ से आपको जो है वो एक कोड मिलता है ईमेल के थ्रू, आपने वो कोड जो है वो उनको सेंड कर देना है, तो आपको आपके पूरे पैसे जो है वो वापस मिल जाएंगे। और अगर आप जो है वो आपका भी मतलब कि उन डिवाइसेस में डिवाइस आती है जिनको अब जो है वो नॉन कंपैटिबल लिस्ट में शामिल कर दिया गया, सो ये है। और अब अगर क्योंकि मैं हर तकरीबन गेम प्ले में ही ये चीज़ जो है वो क्लियर आउट कर देता हूँ, लेकिन अगर अब भी आप लोग यही कमेंट करोगे तो मेरी तरफ़ से आप लोगों को कोई जवाब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ का जो है वो बार बार आंसर नहीं कर सकता। अब एक कहाँ पे जा रहा है ये आद्य भाई, पता नहीं क्या इरादे क्या हैं भाई इसके। ओके जी, तो ये यहाँ पे अभी हो रहा है फ़िलहाल हार्वेस्टिंग, और इसने यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो टाइम लगा दिया है। और ये देखो इसके काम, अबे यार बटन कोई दबाना होता है दब कोई जाता है। ये देखो ज़ाया भी कर रहा है, मतलब साइड के ऊपर इसने बिखेर दिया है सारा बेड़ा कर कर दिया यहाँ पे, और कर भी देखो बिल्कुल सेंटर से जो है वो स्टार्ट कर रहा है। सो बेड़ा कर जो है वो किया हुआ है इसने पूरे फील्ड का। तो पता नहीं यार ये हेल्पर्स क्यों, मतलब एक ही गेम है इन लोगों की, दो ही मैप हैं उसके ऊपर, और वहाँ पे भी हेल्पर्स जो है वो इतने ज़्यादा अनऑप्टिमाइज होंगे। सो
फिर जो है वो एतराज़ तो बनता ही है। सो मेरे ख्याल से यार ये को ठीक करने चाहिए। यहाँ पे हेल्पर जो है वो एब्सोल्युटली टेरिबल परफॉर्म करते हैं और अच्छा खासा बंदे का ना काम बिगाड़ के जो है वो रख देते हैं। सो ये बहुत बुरी चीज़ है, तो इसको अपडेट में जो है वो ज़रूर जैंट सॉफ्टवेयर को फिक्स करना चाहिए। मैं तो डेफिनेटली इसके मतलब जो है वो कंप्लेन करने जा रहा हूँ उनकी वेबसाइट farmingsimulator.com पे जाके। वहाँ पे सपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और वहाँ से जाके आप अपनी कंप्लेन जो है वो फाइल कर सकते हैं। सो आप लोगों को भी जो भी मसले मसाइल गेम में आ रहे हैं, आप भी जाइए इनकी सपोर्ट की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे जाके कंप्लेन कीजिए और होपफुली आपका जो है वो इशू मोस्ट लाइकली जो है वो जितने ज़्यादा एक इशू को लोग कंप्लेन करेंगे उतने ही ज़्यादा उसके फिक्स होने के जो है वो चांसेस हैं। और मैं हर तकरीबन दूसरे तीसरे गेम प्ले में ये बात बोल देता हूँ, और क्योंकि लोग जो है वो मतलब चेंज होते रहते हैं, लाजमी नहीं कि जिस बंदे ने एक वीडियो देखी है वो अगली वीडियो भी देखे। सो इस वजह से मैं तकरीबन हर गेम प्ले में इस तरह की कुछ रिपीटेटिव सी बातें जो है वो बोलता रहता हूँ। सो यहाँ पे गाइस अगेन हम इस फील्ड से भी जो है वो इकट्ठे निकाल लेते हैं बेल्स, तो फिर हम लोग जो है वो इकट्ठे ही चलते हैं इस तरफ को। सो यहाँ पे बेल्स पड़ी हैं, सो मैं जो है वो अब कोई क्रॉप यहाँ पे नहीं प्लांट कर सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि फिर बाद में जो है वो हेल्पर स्टक ही ना हो जाए बेल्स की वजह से। और यहाँ पे ना ये पिक नहीं हो रहा, एक साइड तो छूटेगी ही गाइस। और तो ये अब हम डिसाइड करते हैं कौन सी साइड की पिक करता है, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में जो है वो ड्राइव नहीं होता यहाँ पे। ओके सो मीन वाइल ये यहाँ पे ये काम कर रहा है। सो हम लोग जो है वो इस ट्रैक्टर को कर लेते हैं जी रीसेट। कहाँ पे है ये, लैंडिनी रोबो सीरीज 6। और यहाँ पे और कौन सी चीज़ बच गई है, और ये दो टूल्स यहाँ पे अभी पड़े हुए हैं, ये मिक्सर वैगन पड़ी है और एक एंडरसन ग्रुप का प्रो चॉप जो है वो स्ट्रा स्प्रेडर पड़ा हुआ है। सो इन दोनों टूल्स को अब हम कर लेते हैं जी ट्रांसपोर्ट अपने फार्म के ऊपर। ये दोनों टूल्स जो है वो काव फार्म के ऊपर ही पार्क। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो अभी हमने न्यू टूल्स का जो सेट बाय किया है उनको मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो काव फार्म के ऊपर ही पार्क करूँ, ताकि फार्म जो हमारा मेन फार्म है वहाँ पर रश ना लग जाए। एक तो वैसे भी ज़्यादा व्हीकल्स की वजह से भी गेम लैग होती है, क्रैश होती है। सो अगर आप भी इस तरह की कोई चीज़ ट्राई आउट कर रहे हो, सो कोशिश करें कि व्हीकल्स को जो है वो एक दूसरे से फासले के ऊपर खड़ा करें, ताकि आपके फ़ोन के ऊपर जो है वो एकदम से लोड नहीं पड़े और गेम आपकी जो है वो क्रैश नहीं हो। और या तो बाकी मज़ीद टिप्स के लिए आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, लैग फिक्स के ऊपर मैंने जो है वो एक डिटेल से वीडियो बना रखी है और उसमें जो है मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं। और राइट, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये हार्वेस्टर भर ही जाए, लेकिन बड़ी बेशरम हार्वेस्टर है, या कह ले कि बेशरम यील्ड निकला ओट्स का कि हार्वेस्टर नहीं भरी टोटली। दो फील्ड जो है हमने पूरे हार्वेस्ट कर लिए और लेकिन फिर भी हार्वेस्टर जो है वो यहाँ पे नहीं फुल हुई, होगी भी नहीं शायद। सो दैट्स रियली डिसअपॉइंटिंग गाइज, मैं इतना लो यील्ड जो है वो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। आई डोंट नो व्हाट टू से हेयर, मतलब इतने बुरे या इतने छोटे फील्ड भी नहीं हैं कि ओ वाह। और यहाँ पे स्ट्रा का यील्ड देखो, एक बेल भी नहीं निकली उस वक्त से, पूरा फील्ड हमने ये कर लिया है, अब जाके एक बेल जो है वो निकल के आई है हमारे सामने। अब यहाँ पे हेल्पर जो है वो हार्वेस्टर के साथ मज़ीद फिर कुछ चवलियाँ लगाएगा। ये देखो अबे यार, उसको देखते देखते मैंने सारा यहाँ पे स्ट्रॉ मिस कर दिया है। ओके तो थोड़ा सा गाइज यहाँ पे मिस हो गया स्ट्रॉ, सो इसको आई गेस पिक कर लेते अभी जाके, देखो 80% हुई है। वाह दैट्स रियली अमेजिंग गाइज, इतना टेरिबल यील्ड होगा आउट्स का मैंने सोचा नहीं था। ओके अभी ये वाली रो भी पकड़ लेते हैं हम। एक तो यहाँ पे ऑटोमेटिक का ऑप्शन ही कोई नहीं है, मतलब बेलर को मैन्युअली जो है वो एम्प्टी करने का ऑप्शन ही कोई नहीं है, बस जैसे ही बंद करो तो वो खुद से ही जो है वो एम्प्टी होना शुरू हो जाता, फिर अगली बेल जो है वो निकल के ही नहीं आती। अजीब ही सिस्टम है यार इस गेम का। यार इनको एक कम अज़ कम बीकन लाइट वाला ऑप्शन तो ज़रूर ही देना चाहिए था, ये तो कंजूसी है यार। मतलब अगर कोई बंदा चला रहा है वेरी हाई ग्राफिक्स पे, वो तो कम से कम बीकन ऑन कर ले।
क्या कर सकते हैं, अभी लो ग्राफिक्स और मीडियम ग्राफिक्स पे तो वैसे ही नज़र नहीं आते। हियर वी गो, इसको यहाँ पे हमने करना है जी एम्प्टी। चलो जी, ये और सारे हमने कर लिए हैं जी एम्प्टी, और अब इस हार्वेस्टर को हम लगा देते हैं नॉर्मल हार्वेस्टिंग के ऊपर। ओके जी, लेट्स गो। और यहाँ पे अभी सोयाबीन जो हमने प्लांट कर रखी है, ये हार्वेस्टर जो है वो यहाँ पे अभी सोयाबीन हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जब मैं फार्मिंग सिमुलेटर्स 18 खेल रहा था, सो वहाँ पे ये सीन हुआ कि मैंने हार्वेस्टर रिवर्स की तो तब भी वो हार्वेस्ट करे जा रही थी। सो आई वाज लाइक यार देखो कितना रियलिस्टिक गेम हो गई है आजकल, कि अब हार्वेस्टर को अगर आप रिवर्स करते हैं तो वो क्रॉप्स पिक नहीं करती है। सो दैट्स रियली डेडिकेशन। सो यहाँ पे जब इतना कुछ गेम में आएगा तो डेफिनेटली फिर गेम की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ना ना बॉस, इतनी ज़्यादा अगर आप लोड डालोगे। सो मेरे ख्याल से बिल्कुल ये सुपर फ्लैगशिप डिवाइसेस जो हैं वो ही इनको हैंडल कर सकती हैं गेम्स को। मिड रेंज फ़ोन जो है वो फिर उनके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। भाई यार ये क्या कर दिया मैंने। ओके जी, तो अब हमने कलेक्ट करना है बेसिकली बेल कलेक्टर, जो कि मैंने यहाँ पे पार्क कर रखा था क्लोज टू दी मैनर पिट। एंड लेट्स पिक दिस अप। सो ये फील्ड हमारे करीब है, इधर से ही हम लोग जो है वो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। एंड अबे यार पहली बेल को ही ठोक रहा हूँ मैं उठाने की जगह, हद हो गई। वाह फिर भी उसने पिक कर ली चलो जी, अबे फिर भी 3-4 बेल्स तो निकल ही आई हैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ गुजारा मुजारा। वैसे भी स्ट्रॉ की इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अब काउस को, सो आई गेस उस हिसाब से वी आर गुड। और शायद काउस ही हैं जिनको स्ट्रॉ चाहिए, हॉर्सेस को तो मेरे ख्याल से स्ट्रॉ वैसे भी नहीं चाहिए। या इसके बाद पिग्स होंगे मे बी। सो बस यही कुछ एनिमल्स हैं जिनको जो है वो काउस और पिग्स ही हैं मेरे ख्याल से, बाकी हॉर्सेस को मेरे ख्याल है कि इस दफ़ा स्ट्रॉ जो है वो नहीं चाहिए। वाह ये रो मैंने कम्प्लीटली मिस ही कर दी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे वैसे भी इतना निकलना ही नहीं था। सो अब हो ही गई है मिस, तो दफा करते हैं इसको। तो ये बेल भी यहाँ पे आ चुकी है एंड दिस इज़ द फाइनल बेल गाइस, और ये हमने पिक कर ली है। अबे कर ले पिक भाई, इसको कर देते हैं जी टर्न ऑफ ताकि ये पंगे ना लेता फिरे आलतू फालतू कहीं पे भी। और हो जा भाई ऑफ, क्या पैसे लेगा क्या अभी ऑफ होने के। चलो जी अभी रिवर्स करते हैं इसको, जो कि बहुत ही बुरा हो रहा है। अबे यार हद हो गई, वैसे सिंपल सा एक टूल है वो भी मेरे से रिवर्स नहीं हो रहा प्रॉपरली। चलो भाई चलो 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 शाबाश, अभी और कोई मिस्टेक ना करना। हाँ जूम आउट कुछ ज़्यादा ही कर रखा है मैंने। अरे यार जगह नहीं होगी। अबे यार हद है यार, कभी कभी तो गाइस मैं बिल्कुल ही पैनिक हो जाता हूँ। अबे चलो, अबे अबे करके मैंने सारी बेल्स यहाँ पे उठा दी हैं, लोड भी कर दी हैं, और अब हम इसको कर देते हैं जी यहाँ पे पार्क। ठीक है, जहाँ से हमने उठाया था उधर ही इसको पार्क कर देते हैं। एंड हियर वी गो। अबे बड़ा लीचड़ है, जान ही नहीं छोड़ रहा था। नाउ वी नीड टू बाय सम थिंग्स, कुछ चीज़ें हमने जो है वो गाइस यहाँ पे बाय करनी है। अभी मेरे को एक चीज़ तो भूल ही गई थी कि काउ फार्म इटसेल्फ जो है वो इस गेम में शायद सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग है, और 2.5 लाख डॉलर्स। अबे तेरी तो गए हमारे सारे पैसे। सो चलो अभी हम फिर बाय ही करनी है हमने। सो अबे यार सारे पैसे गए हमारे, कंगाल हो गए गाइस हम लोग फिर से ये बहुत बुरा हुआ है। काउ
कहाँ पे हमारे पास 7 लाख डॉलर्स थे और अब हम बिल्कुल जो है वो एक सिफर जो है वो माइनस हो गया है, ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ा, बट हम लोग जो है वो यहाँ पे कंगाल हो चुके हैं। एनीवेज कोई बात नहीं गाइस, ये पैसे जो है वो आने जाने हैं तो ये वापस आ जाएंगे पैसे, और कम से कम ये है कि अब जैसे ही हम इनको फीड करेंगे ना, क्योंकि मैंने काउस जो है वो बड़ी वाली एक्सपेंसिव वाली बाइक की हैं, सो उसका फ़ायदा ये है कि अब जैसे ही हम इनको फीड करेंगे ये फ़ौरन मिल्क प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अभी तक मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मिल्क का करूँगा क्या, मतलब डायरेक्ट उसको सेल करूँगा या फिर क्या करूँगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3 बेल्स गाइस आप मैक्सिमम इसमें डालो, 3 से ज़्यादा डालोगे तो आपकी जो है वो बेल ज़ाया हो जाएगी, सो आई विल रेकमेंड कि आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 बेल्स ही इसमें लोड करो। सो इसको जैसे ही आप चालू करोगे ये बेल्स उठाना शुरू कर देगी। आप ये इनके ऊपर से शीट जो है वो उतार भी सकते हो, सो इट्स टोटली अप टू यू, और इसको अभी टर्न ऑफ करके आप ले जा सकते हो काउ फार्म के ऊपर, और वहाँ पे ले जाके आप जो है वो फीड कर सकते हो। सो अभी तक तो मेरे ख्याल से हमने जो है वो डोर शोर भी कोई ओपन नहीं कर रखा। तो यहाँ पे देखो 3 बेल्स हमने बेसिकली अनलोड करी हैं, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, ठीक है। और अभी हम चौथी अगर इसमें बेल डाल देते तो वो मतलब थोड़ी सी ही यूज़ होनी थी इसकी कैपेसिटी, सो बाकी ये जो है वो वैसे ही ज़ाया हो जानी थी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जो है वो एम्प्टी हो चुकी है, और अगर हम चेक करें डेफिनेटली एक और हमें डालनी पड़ेगी, यस एक और हमें जो है वो इसी तरह की डालनी पड़ेगी, फिर जाके ये जो है वो फुल होगा। सो यहाँ पे ट्रैक्टर को जो है वो आगे चलाने से पहले ये दरवाज़ा जो है वो ओपन कर लेते हैं। लो जी हो गया काम, और गेम जो है वो यहाँ पे हो चुकी है जी क्रैश, एंड ये बस इसमें iOS में प्रॉब्लम है, रैंडमली गेम क्रैश कर जाती है, एंड आई होप कि प्रोग्रेस हमारी लॉस्ट नहीं होगी होगी। सो गुड थिंग यही है कि बस प्रोग्रेस आपकी वहीं पे ही रहती है, और ये ओकेजनली लैग आता है, मतलब ये नहीं कि हर गेम प्ले में, टोटल अभी तक जो है वो 2 दफ़ा ये ऐसा हो चुका है। सो यस, और यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे हम थे बिल्कुल जो है वो वहीं पे ही गेम जो है वो स्टार्ट हुई। ओके सो यहाँ पे 3 बेल्स जैसा कि एज आई सेड। अच्छा यार इसको दूसरा राउंड करते हैं हम, और यहाँ पे भी हेल्प हायर कर देते हैं फिर से। मीन वाइल हम लोग जो है वो वापस से प्लांट करते हैं, यहाँ पे स्टेटस चेक कर लेते हैं जी प्रोडक्शंस में कनोला ऑयल का। ओ एम जी, तो गाइज़ यहाँ पे कनोला की जो है वो स्टोरेज फुल होने वाली है, काम तो गाइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है हमारा। सो काउस को बाकी दो जो है वो बाद में हम फीड करते हैं, पहले ही तो ये कनोला के जो पैलेट्स हैं वो उठा के लाते हैं, कहीं उसकी प्रोडक्शन ना रुक जाए। सो इसका मतलब ये है कि अभी हमें जो है वो सिंपली कनोला प्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि कनोला जो है वो काफ़ी स्पीड से डाउन हो चुका है, 29,000 लीटर रह गया, और जब तक कनोला रेडी टू हार्वेस्ट होगा नेक्स्ट बैच, तब तक ये 29,000 लीटर्स कनोला जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। सो यस, अभी एक बैच हमें जो है वो यहाँ पे सिंपली लेके आना पड़ेगा, प्लांट करना पड़ेगा कनोला का। सो गुड थिंग आई चेक्ड, चेक कर लिया मैंने, और थोड़ा सा जो है वो हमें क्लैरिफाई हो गया कि अभी किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। बाकी ये काउस जो हैं अब ऑब्वियसली ये तो अपनी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करने वाली हैं बहुत ही जल्द, अभी हमने इनको फीड कर दिया है तो इनकी प्रोडक्शन जो है बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे पार्क कर देते हैं, एंड और कितना रह गया है भाई, बस इतना ही था? नहीं यार अभी 5 पैलेट्स और आएंगे, बेसिकली 1,000 लीटर्स का एक पैलेट बन जाता है, और अभी 5 स्टोरेज में है तो दैट मीन्स 5,000 स्टोरेज में है, सो दैट मीन्स कि यस अभी भी एक पैलेट यहाँ पे निकलने वाला है। सो बट मेरे ख्याल से ये फुल हो चुका है, फुल हो चुका है, यहाँ भी रहता है एक की जगह रहती है। ओके यस फुल हो चुका है, और चले ठीक है, बाकी यहाँ पे
हो जाएगा, सेट वेट हो जाएगा सारा कुछ। सो ऑब्वियसली इसकी प्राइस तो यहाँ पे हाई नहीं होगी इस टाइम पे, फिर भी एक दफ़ा मैं जो है वो चेक कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से ये भी अप्रैल में जाके हाई होती है। नहीं, नवंबर के मंथ में होती है, और अभी हम अगस्त के मंथ में चल रहे हैं। सो ऑब्वियसली फिर जब हाई होगी प्राइस, हम तभी इसको सेल कर देंगे। अभी सेल करने की क्या ज़रूरत है, अभी हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम लोग इजीली अपना फार्म जो है वो मैनेज कर रहे हैं। सो फार सो गुड गाइस, यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर प्रोग्रेस जो है वो हमारी हो चुकी है, और जो हमने एंड्रॉयड के ऊपर गेम छोड़ी थी उससे हम शायद थोड़ा सा बेहतर अब पोजीशन में आ चुके हैं एट दिस मोमेंट। और क्योंकि वहाँ पे काउज नहीं थी हमारे पास, अभी हमने काउज भी कर ली हैं, प्रोडक्शन क्लॉस की भी रन कर रही है, और मतलब अच्छे खासे। अभी वहाँ पे भी मैंने चेक नहीं करा, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ पे भी पैलेट्स जो है वो बन चुके होंगे। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैलेट्स जो है वो दो हार मान रहे, मतलब हार नहीं मान रहे, ठीक है। तो इनको जैसे तैसे करके अभी यहाँ पे अनलोड कर ही दिया है मैंने। यार इस ट्रेलर की मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इसको मैं कहाँ पार्क किया करूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, ये अच्छी जगह है। ठीक है, हाँ परफेक्ट हो गया। ओके, सो अभी करना वाला मैं ये था कि यहाँ पे मैंने जो है वो सीडर कनेक्ट करना था अपने ट्रैक्टर के साथ, और सीड मैं जो है वो यहाँ पे कनोला सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये कनोला सेलेक्ट कर लिया हमने, और मैं चाहता हूँ कि कनोला ऑयल जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो होती रहे साथ ही साथ। मुझे टू बी ऑनेस्ट सोयाबीन से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन एट दिस मोमेंट मेरा जो है वो, वैसे भी मैं थोड़ा सा जो है ना उकता चुका हूँ बार बार सोयाबीन प्लांट करके। मैं कुछ न्यू चीज़ें जो है वो करना चाहता हूँ। आप लोग भी, आप में से बहुत से लोग जो है वो उकता चुके होंगे देख देख के सोयाबीन बार बार हार्वेस्ट प्लांट। सो वैसे तो आज के गेम टोटली डिफरेंट था आज का गेम प्ले, और काउज को हमने फीड करा है विच इज़ टोटली डिफरेंट थिंग कंपेयर टू वट वी यूजली डू इन आवर गेम प्लेस। अगेन यहाँ पे हमने जो है वो तीन ही लोड करनी है, इससे ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली वह वेस्ट होगी। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो बेल्स हैं इनका आप ये शीट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का नहीं पता है, बट येस यू कैन एक्चुअली डू इट। ओके, यहाँ पे आप देखो, तो ये देखो, ठीक है, ये अभी यहाँ पे पीली पीली जो है वो बेल्स यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाता है बस, और तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। वैसे भी तो मशीन जो है वो फाड़ देती है, और इसको अगर आप टर्न ऑफ नहीं करोगे तो आपकी ट्रैक्टर की स्पीड जो है वो इससे इम्पैक्ट होगी। सो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि जब भी ये मिक्सिंग हो जाए सो आप सिंपली ये वाला जो है वो टर्न ऑफ कर दिया करें। अभी काउज की कंजम्पशन का मुझे कोई आइडिया नहीं है ज़्यादा कि कितनी ये करती हैं कंज्यूम साइलेज, और बेस्ट प्रोडक्शन अगर आपने लेनी है तो फिर आपको साइलेज के ऊपर ही जो है वो काम करना पड़ेगा। हे वगैरह डालोगे तो इनका प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, तो ये जो है अभी हमारा पड़ा हुआ, इसको हम यहाँ पे ही पार्क कर देते हैं क्योंकि ये इसने इधर ही यूज़ होना है। सो लेट्स जस्ट सिंपली पार्क इट हेयर, और ये गुजरने के लिए रास्ता भी छोड़ देते हैं। ओके, सो अभी हम इसको एक बार फिर से जो है वो रीसेट कर देते हैं बिकॉज वी स्टिल नीड टू अनलोड स्ट्रा। और यहाँ पे जो लास्ट टूल रह गया का उसको, वो ये प्रो चॉप है, इसको भी हमने जो है वो यूज़ करना है। इसको यूज़ करते हुए स्ट्रॉ जो है वो स्प्रेड करना है। इसको भी लेके चलते हैं जी फार्म पे, एंड इसको लगा देते हैं बेसिकली यहाँ पे, हेल्पर हायर करते हैं सेट डेस्टिनेशन, और इसको लेके चलते हैं जी यहाँ पे ले चलते हैं। हियर वी गो, एंड यहाँ पे बेसिकली हार्वेस्टर जो है ना वो हमारी भर चुकी होगी। यस इट्स फुल नाउ, एंड ओके शिट,
इसको भी मैं बाद में ही करता हूँ गाइज मैनेज। फ़िलहाल तो ट्रेलर जो है वो फ्री नहीं है हमारे पास, उसमें जो है वो हमने ओट्स अनलोड कर रखे हैं। वैसे जिस लेवल के ओट्स मैंने, मतलब ये हार्वेस्टर भी टोटल नहीं भरी, तो इसने ओट्स से मैं क्या ही पैसे कमाऊंगा। सो मैंने जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट जो है वो थोड़े से ही प्लांट करे थे। सो अगर मुझे लगा कि इसमें वाकई कोई प्रॉफिट है, सो आई विल बी डेफिनेटली प्लांटिंग ओट्स अगेन इन फ्यूचर। बट फॉर दिस मोमेंट मैंने बस ये छोटा सा जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया, सो उधर ही मैंने प्लांट किया। तो यहाँ पे हम लोग जी आ चुके हैं अपने फार्म पे, और द हार्वेस्टर को लाइन कर देते हैं ताकि ये अनलोड कर दे। बहुत ही लंबा पाइप है यार इस हार्वेस्टर का, तोबा तोबा तोबा। और कहाँ पे है जी हमारा, यहाँ पे ये हेल्पर आ चुका है, और ये मेरे ख्याल से एट अ मोमेंट एक ही बेल जो है वो एक्सेप्ट करता है। सो इसको भी आपको जो है मल्टीपल राउंड लगाने पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यू कैन ऑलवेज़ यूज़ अ लोडिंग वैगन, और उसको यूज़ करते हुए आप लूज स्ट्रॉ भी जो है वो अनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट अनलोड वन बेल, वन सिंगल स्ट्रॉ बेल, और हाँ, बेल्स यहाँ पे भाई इन्होंने मूव बनाई है। मैं वही उसी हिसाब से चल रहा था कि बस ये बेल जो है वो सॉलिड होगी, बट वो मूव हो गई जैसे इसको ट्रैक्टर टच करा। सो ये जी इसको भी सेम जगह पे ही अनलोड करना है हमने, फर्क सिर्फ ये है कि ये ऐसे जो है वो करके अनलोड कर देता है। सो लेट्स सी एनिमल्स, और यस स्ट्रॉ जो है वो यहाँ पे अनलोड हो रहा है, और बेल्स ये बेसिकली काफ़ी बड़ी हैं। अभी आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि एक बेल यहाँ पे कितने लीटर्स की है। तो ये टोटल अनलोड हो चुकी है, और अब हम चेक करें तो 8,000 लीटर की यहाँ पे गाइस एक बेल जो है वो बन रही है। सो काउज आर फुली फेड, और एक यहाँ पे स्ट्रॉ बेल मैं मज़ीद अनलोड कर दूँगा बिहाइंड दी रिकॉर्डिंग्स। आप लोगों को मैं मज़ीद बोर नहीं करूँगा, और आई गेस इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आज का गेम प्ले हम यहाँ पे एंड कर दें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।